Good morning. Today is 13th of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहाँ पे राहुल गांधी से संबंधित है. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे. इवन नीचे का आर्टिकल गुजरात इलेक्शन से संबंधित है, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसे भी हम नहीं डिस्कस करेंगे. बीच में ये बड़ा आर्टिकल ह्यूमन राइट्स से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे. नीचे ये आर्टिकल आरटीआई से संबंधित है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे. दूसरे पेज पे आज इंटरव्यू आया है उमर अब्दुल्ला का. उमर अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल लीडर है, तो सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसे भी हम नहीं डिस्कस करेंगे. लेकिन दो आर्टिकल्स एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे हम, एक इंडियन एक्सप्रेस का इंडियन फॉरेन पॉलिसी से संबंधित और एक और आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम्स का हेल्थ केयर से संबंधित. वो दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आरटीआई से संबंधित इश्यू को हम डिस्कस करेंगे. जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 2 में इन टॉपिक्स के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल. पहले हम पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, इशू आखिरकार है क्या. 2010 से पहले आरएस मिश्रा जो कि एक फॉर्मर स्कूल टीचर हैं, ये अपना एक सर्विस रिलेटेड केस हार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो केस हारने के बाद इनके द्वारा, आरएस मिश्रा के द्वारा, लेटर सेंड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता. तो उसके बाद आरएस मिश्रा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास आरटीआई फाइल करते हैं. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखती है. तो आरएस मिश्रा आरटीआई फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास. आप बताइए, जो मैंने लेटर सेंड किए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उनका क्या स्टेटस है, क्या एक्शन लिया गया है मेरे लेटर्स पे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर देती है. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कहती है कि हम आरटीआई के अंदर आते ही नहीं है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन हमसे मांग सकते हो, लेकिन आरटीआई हम पे अप्लाई नहीं होती, आरटीआई एक्ट हम पे अप्लाई नहीं होता. तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के इस रिप्लाई के बाद में आरएस मिश्रा जाते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से, वो तो ये कह रहे हैं कि हम आरटीआई के अंडर आते ही नहीं है. तो सीआईसी समन करते हैं, रजिस्ट्रार को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप आरटीआई एक्ट के अंदर क्यों नहीं आते भाई. तो वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट रूल्स अप्लाई होते हैं, आरटीआई एक्ट हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो आरटीआई के हिसाब से ही हैं, आरटीआई एक्ट को कंप्लाई करते हैं. सीआईसी कहते हैं ये फैसला तो हम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स है वो आरटीआई के कंसिस्टेंट है क्या नहीं है. तो देखो उस समय सीआईसी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे शैलेश गांधी, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो आरटीआई के हिसाब से नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो ना तो कोई टाइम फ्रेम है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है कितने समय में उस पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ना ही कोई अपील मैकेनिज्म है. अगर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है तो वो पर्सन किसके पास जा सकता है, कोई अपील मैकेनिज्म नहीं है. इवन अगर किसी की एप्लीकेशन को अननेसेसरली डिले किया जाता है तो फाइन का भी कोई प्रोविजन नहीं है. तो मतलब साफ है सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है. ना तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में टाइम मैकेनिज्म है, ना ही अपील मैकेनिज्म है, ना ही फाइन प्रोविजन है. ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है अपनी डिस्क्रिशन का यूज कर सकती है, जब चाहे किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, अगर मर्जी आई तो नहीं की. तो इसीलिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की एक लैंडमार्क रूलिंग आई. सीआईसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आरटीआई एक्ट के अंदर वो इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कर सकता है. लैंडमार्क की रूलिंग थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह रूलिंग पसंद नहीं आई. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में इसके खिलाफ में अपील की गई, यानी सीआईसी के इस रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी की इस रूलिंग पे रोक लगा दिया. यानी फिर से 2011 में स्टे लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, यानी फिर से सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के बाहर निकल गया स्टे लगने के बाद में. सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ही अप्लाई होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन मांगनी है तो, 2011 की हाईकोर्ट के स्टे के बाद में. तो देखो 6 साल तक ये केस चलता रहा दिल्ली हाईकोर्ट में. अब फाइनल जजमेंट आ गया है, नवंबर में फाइनल जजमेंट आया था दिल्ली हाईकोर्ट का. उस समय तो स्टे लगाया था 2011 में, अब फाइनल जजमेंट आ गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है साफ तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता, अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हिसाब से वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट के से इंफॉर्मेशन मांग सकता है. और भी कुछ मुख्य बातें कही दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में. उन्होंने कहा कि आरएस मिश्रा की जो एप्लीकेशन है वो आरटीआई के दायरे से बाहर है. देखो यहां पे आरएस मिश्रा की एप्लीकेशन की बात ही नहीं हो रही है, यहां पे बड़ा इश्यू है.
क्या सुप्रीम कोर्ट आरटीआई एक्ट से बाहर है या फिर अंदर है? आप मना कर रहे हो, आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट तो आरटीआई एक्ट के अंदर आता ही नहीं, वो बात गलत है। बात आरएस मिश्रा की एप्लीकेशन की नहीं है, बात आपकी है, क्या आप आरटीआई के अंदर आते हो या नहीं आते हो। उसके बाद दूसरा और तीसरा पॉइंट देखिए दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट में। दूसरे पॉइंट में वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो आरटीआई के हिसाब से हैं, जबकि नहीं है। हमने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ना तो टाइम मैकेनिज्म है, ना ही फाइन का प्रोविजन है, ना ही अपील मैकेनिज्म है। और तीसरा पॉइंट देखिए, आरटीआई एक्ट कांट अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल फंक्शनिंग। आपको लगता नहीं कि दूसरा और तीसरा पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टिंग है? एक तरफ तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो आरटीआई के हिसाब से हैं, और तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आरटीआई जो एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल फंक्शनिंग पे अप्लाई होता ही नहीं है। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट तो अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है। और चौथा पॉइंट, इवन उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ही नहीं। तो काफ़ी सारी खामियां हैं दिल्ली हाईकोर्ट की इस जजमेंट में। जजमेंट तो ये होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन अब इस जजमेंट के बाद में पूरा फैसला हो चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आरटीआई एक्ट के अंदर में नहीं आती। लास्ट में वो एक बात बोलते हैं राइटर कि देखो आरटीआई का पहले अपमान कर रहे थे पॉलिटिकल क्लास या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी पूरी तरह से आरटीआई एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनको कॉम्प्लाई नहीं करते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो जिम्मेदारी है कि जो भी कानून है उनकी सुरक्षा की जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन वो एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था आरटीआई से संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट, कंटेक्स्ट ये है अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आई है। What are the issues involved in bringing the information available with the judiciary under the RTI? क्या issues involved हैं? Judiciary को RTI Act के अंदर लाने में क्या issues involved हैं ये आपको बताना है, critically discuss करना है 150 words में। उसके बाद आज ऐसे का quote है, If everyone is thinking alike, then no one is thinking. Benjamin Franklin ने ये बात कही थी। क्या मतलब है इसका? देखो हमारे देश में, हमारे समाज में अगर सभी के एक ही तरह के विचार हैं, एक ही तरह के आइडियाज हैं, तो हमारा समाज, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए, सती प्रथा का। हमारे समाज में पहले सती प्रथा प्रचलित थी, तो अगर देखो उस समय सभी के एक ही तरह के आइडियाज होते, एक ही तरह के विचार होते, तो क्या सती प्रथा आज खत्म हो पाती? डेफिनेटली नहीं हो पाती। उस समय राजा राम मोहन राय समेत जो दूसरे हमारे थिंकर्स थे उनके अलग तरह के विचार थे, उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया कि क्यों सती प्रथा जो है वो ना देश के लिए सही है, ना समाज के लिए सही है, ना रिलीजन के लिए सही है, ना वुमेन के लिए सही है, किसी के लिए सही नहीं है सती प्रथा। तो समाज ने उन आइडियाज को डिस्कस किया। एक तरफ थे वो आइडियाज जो सती प्रथा को सही ठहरा रहे थे और दूसरी तरफ थे वो आइडियाज जो सती प्रथा के नुकसान गिना रहे थे। तो समाज को ये लगा, धीरे धीरे लगने लगा कि वास्तव में सती प्रथा जो है वो किसी के लिए अच्छी नहीं है। तो ये क्यों हुआ? सती प्रथा क्यों हम खत्म कर पाए? क्योंकि कुछ लोग समाज में, कुछ देश में ऐसे थे जिनके आइडियाज प्रचलित आइडियाज के अगेंस्ट में थे। समझ गए? तो वही कोट है, ये देखिए, अगर सभी के सेम ही तरह के विचार हैं तो इसका मतलब सोच नहीं रहे हैं वो जो समाज में प्रचलित विचार हैं उनको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, उनमें थिंकिंग है ही नहीं। समझ गए? देखो एक थ्योरी होती है पॉलिटिकल साइंस में, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। मैं कोई आइडिया देता हूं, मान लीजिए उसको कहते हैं थीसिस। मेरे आइडिया के अगेंस्ट में कोई पर्सन आइडिया देगा उसको कहते हैं एंटीथीसिस। इन दोनों आइडियाज में जो सबसे उत्तम विचार होगा, जो बिल्कुल ठीक बात होगी, वो आगे जाएगी समाज में, उस चीज को कहते हैं सिंथेसिस। समझ गए? तो इस प्रकार से समाज में क्या होता है, विभिन्न आइडियाज का टकराव होता है। जो अच्छे आइडियाज हैं वो आगे जाते रहते हैं और उसी से समाज आगे बढ़ता है। तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा कंसेप्ट है, आप ऐसे में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एथिक्स का एक आंसर देना है आपको, दो एट्रीब्यूट, दो चीजें आपको बतानी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्विस के लिए, और आपको जस्टिफाई भी करना है कि ये दो चीजें सिविल सर्विसेज के लिए या फिर पब्लिक सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। उसके बाद सोसाइटी से संबंधित आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अर्बनाइजेशन जैसे ही बढ़ रहा है, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं समाज में, तो आपको उन सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है जो अर्बनाइजेशन के साथ में आती हैं, और आपको यह भी बताना है कि गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है उन सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में जो कि अर्बनाइजेशन के साथ आती हैं। 250 वर्ड्स में क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ह्यूमन राइट्स, इंडियन वैल्यूज, सिविलाइजेशन वैल्यूज, कल्चर से संबंधित है। सिलेबस के किसी एक टॉपिक के अंदर कवर नहीं होता ये आर्टिकल, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिलेबस के काफी सारे टॉपिक्स में फोडर मटेरियल के तौर पर यूज हो सकता है। तो क्या कंटेक्स्ट है? वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने स्पीच दी ह्यूमन राइट्स डे के मौके पे, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की एक अहम जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है गवर्नमेंट पे कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है वो संविधान के बनने के बाद नहीं आया,
हमारे देश में सिविलाइजेशन का जो डीएनए है वो हमेशा से ये रहा है, ह्यूमन राइट्स हमारे देश में संविधान बनने से पहले भी थे। तीसरे नंबर पे उन्होंने ये भी कहा कि अभी ह्यूमन राइट्स को और ज्यादा एक्सपेंड करने की आवश्यकता है, यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पे और ज्यादा फोकस करें। तो ये बातें उन्होंने कही वेंकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति ने। लेकिन राइटर अब इन बातों के खिलाफ में अपने पॉइंट्स दे रहे हैं। ये कहते हैं कि देखो, ये कहना कि हमारे देश में ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है वो हमेशा से रहा है, अगर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की, या फिर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की, तो उपराष्ट्रपति की बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी देखो, जो दूसरे तरह का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, माइनॉरिटीज के खिलाफ में या फिर वुमन के खिलाफ में जो क्राइम होता है, ये भी तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। इस तरह की जो वैल्यूज थी हमारे सिविलाइजेशन में पहले नहीं थी। सिविलाइजेशन में आपको पता है कि पहले हमारे देश में, हमारे समाज में सती प्रथा को प्रीच किया जाता था। उच्च नीच का जो भावनाएं थी, उच्च नीच की जो एसेंस है, काफी ज्यादा थी पहले हमारी सिविलाइजेशन में, ऐसा कहना है राइटर का। हमारा जो समाज है वो चार वर्णास में बटा हुआ था, लेकिन आज जो है वो लोग जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। आज बल्कि जो लोग हैं वो ऊंच नीच के फर्क को कम समझते हैं। पुराने समय में जो ऊंच नीच का फर्क था वो बहुत ज्यादा था, समझ गए? तो इस क्षेत्र में हमारी जो सिविलाइजेशन की वैल्यूज थी पुराने समय में वो अच्छी नहीं थी। तो इस चीज को आप ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में देखिए। ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, यानी सब्सटेंशिएट करने के लिए बात कहते हैं गांधी की। देखो, अंग्रेज जब हमारे देश पे राज करने के लिए आए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी। क्या उन्होंने बोला था? उन्होंने कहा था कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो आपसे ज्यादा अच्छी है, हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम यहां पे आए हैं आपको सिखाने, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म का जो उनका कंसेप्ट है। गांधी ने अंग्रेजों के इस कंसेप्ट के विरुद्ध में आवाज उठाई। गांधी ने कहा कि कोई भी सिविलाइजेशन आइडियल नहीं है, हर एक सिविलाइजेशन में कोई ना कोई कमी है। तो आप ये कह के हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकते कि हमारी सिविलाइजेशन अच्छी है, हम आपको सिखाने आए हैं, समझ गए? तो एक तो देखो ये आर्ग्यूमेंट है सिविलाइजेशन से संबंधित। अब दूसरे आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को और ज्यादा एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। तो राइटर कहते हैं इस पॉइंट पे कि देखो, वैसे तो हमारे देश में इनइक्वालिटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, लेकिन हाँ, सोशल राइट्स जो हैं उसमें हमारे देश में तरक्की हुई है। आज जो क्लासेस के बीच में डिफरेंस है वो कम होने लगा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ क्लासेस, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं उनके खिलाफ में क्राइम, उनके खिलाफ में नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटीज, फॉर एग्जाम्पल वुमन, हमारे देश में वुमन के खिलाफ में, माइनॉरिटीज के खिलाफ में बहुत ज्यादा क्राइम होने लगे हैं, ये चिंता की बात है। अब लास्ट में एक पॉइंट और भी आता है कंस्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित। देखो, जो अंबेडकर थे, अंबेडकर सोशल मोरालिटी को नहीं मानते थे। अंबेडकर का यह मानना था कि हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, तो इसीलिए जो भी चीज आपको अच्छी करनी है कंस्टिट्यूशन में आप वो चीज लिख दीजिए। इसीलिए सभी तरह के जो राइट्स हैं उनको साफ तौर पर मेंशन किया गया है हमारे देश में, जो हमारे देश का जो संविधान है उसमें सभी जो अधिकार हैं वो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली मेंशन है। समाज पे कुछ भी नहीं छोड़ा गया है कि ये तो समाज की मोरालिटी पे डिपेंड करता है, नहीं। कंस्टिट्यूशन में जो चीज है उसको इंप्लीमेंट करना है, गवर्नमेंट को कंस्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, सोशल मोरालिटी के हिसाब से नहीं चलना है। और गवर्नमेंट का एक अहम रोल है कंस्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने में। लेकिन अभी माइनॉरिटी के खिलाफ में, वुमन के खिलाफ में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, इन सब पूरे कंटेक्स्ट में, पूरे सर्कमस्टांसिस में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एबसेंट है। तो ये इनका पूरा कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स, सिविलाइजेशन वैल्यूज, कल्चर्स और सोशल मोरालिटी, कंस्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडियन फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी से संबंधित है। जीएस पेपर 2 में इस टॉपिक के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल। शुरुआत में राइटर काफी सारे एग्जाम्पल्स देते हुए ये कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में एकदम से काफी एनर्जी आ गई है। हम काफी सारे देशों के साथ काफी सारे ग्रुपिंग्स में एंगेज कर रहे हैं। एक तरफ तो हमने निर्णय लिया कि हम क्वैड में शामिल होंगे, चार देश हैं क्वैड में, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। दूसरी तरफ हम रशिया और चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं हमारे देश में, आरआईसी की जो ग्रुपिंग की मीट है वो हमारे देश में ऑर्गेनाइज हुई। इसके अलावा बिम्स्टेक के देशों के साथ हमने बोधि पर्व को ऑर्गेनाइज किया ताकि जो बुद्धिस्ट सभ्यता है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। एशियन कंट्रीज के साथ हम एंगेज कर रहे हैं, एशियन कंट्रीज के जो प्रीमियर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया हमारे देश में। अगले साल जो रिपब्लिकन डे है 26 जनवरी को, उस दिन परेड में शामिल होने के लिए हमने उनको इनवाइट किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारा 2+2 यानी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होगी। तो कहने का मतलब साफ है कि हम काफी देशों के साथ काफी सारे ग्रुप्स में एक साथ एंगेज कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है फिलहाल कंफ्यूज्ड है, इंडिया को पता नहीं लग पा रहा कि किस साइड जाना है,
एक तरफ तो हम क्वेड में शामिल होते हैं, दूसरी तरफ आरआईसी ग्रुप्स की मीटिंग जो है हमारे देश में होती है और हम चाइना और रशिया के साथ मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की बात कहते हैं, तो क्या इंडिया कंफ्यूज्ड है? सी राजा मोहन कहते हैं इंडिया कंफ्यूज नहीं है, ये इंडिया की जो एक्टिव डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल सही है। कोई मतलब बनता नहीं है कि अगर हम क्वेड में जा रहे हैं तो हम हमारे जो रिलेशंस हैं रशिया या चाइना के साथ बिल्कुल कट कर दें। क्यों कट कर दें भाई? फिलहाल जो सर्कमस्टांसिस हैं, वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा है, हमें मल्टीलेटरल लेवल पर फिलहाल एंगेज होने की आवश्यकता है और वही इंडिया कर रहा है। अब आप देखो, ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बीमस्टेक है या फिर आरआईसी है, ये काफी पहले इस्टैब्लिश किए गए थे। फिलहाल जो रेजीम है वो सिर्फ एक एनर्जी दे रहा है, वो सिर्फ एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इन सभी रेजीम्स को, इन सभी ग्रुप्स को। अभी इंडिया वर्ल्ड के जो बड़े प्रेस्टीजियस ग्रुप्स हैं उनका मेंबर है, एससीओ का मेंबर है, G20 का मेंबर है, इन सबका इंडिया फिलहाल मेंबर है। तो जिस चीज की इंडिया हमेशा एस्पायरेशंस रखता था कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टैब्लिश किया जाए, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अब इस्टैब्लिश हो रहा है क्योंकि ये यूएसए अब डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन चाइना अभी भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो यूएसए से आगे निकल जाए। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अभी निकल बन रहा है जो इंडिया हमेशा से बात कहता था। इंडिया कहता था कि एक सुपर पावर की पूरे वर्ल्ड में नहीं चलनी चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, यानी डिफरेंट पोल्स होने चाहिए वर्ल्ड के, यानी डिफरेंट कंट्रीज के पास में बराबर की पावर होनी चाहिए। ऐसी बात इंडिया हमेशा करता था, उसी तरह का तो वर्ल्ड अभी बन रहा है। लेकिन एक बात इंडिया को ध्यान में रखनी होगी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में डेफिनेटली इंडिया एक पावर है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और मिलिट्री की भी काफी स्ट्रेंथ है, लेकिन इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया सबसे वीक पावर है इंडिया। इसलिए इंडिया को सभी कंट्रीज के साथ में एंगेज होने की आवश्यकता है ताकि इंडिया अपने आप को आगे ले जा सके और अपनी जो पावर है उसको सस्टेन कर सके, और वही इंडिया अभी कर रहा है। इसीलिए इंडिया डिफरेंट ग्रुपिंग्स में डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने आप को एंगेज कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल था इंडिया की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हेल्थ केयर से संबंधित है। जीएस पेपर 2 में इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल। क्या कंटेक्स्ट है? दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एक काफी शॉकिंग केस सामने आया। वहां पे डॉक्टर्स ने 2 बेबीज को मृत घोषित कर दिया, उनमें से बाद में एक बेबी जिंदा पाया गया, तो काफी ये शॉकिंग केस था। दिल्ली सरकार ने कार्रवाई करते हुए मैक्स हॉस्पिटल की जो शालीमार बाग है उस ब्रांच का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो क्या दिल्ली सरकार का यह डिसीजन सही है या गलत है? राइटर कहते हैं आर्टिकल में, दिल्ली सरकार का यह डिसीजन गलत है। अगर देखो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरह की घटना हुई होती तो क्या पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता? नहीं किया जाता, डॉक्टर्स पे कड़ी कार्रवाई की जाती। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के कंटेक्स्ट में भी वैसा ही होना चाहिए, जो डॉक्टर्स इस बड़ी गलती के लिए जिम्मेदार हैं उन पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करना उचित नहीं है। हमारे देश में पहले से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है, इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस कैंसिल करना वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इससे लोगों का जो गुस्सा है वो तो एड्रेस किया जा सकता है और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है, लेकिन जो कारण रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है इस पूरे इश्यू में। देखो, हेल्थ केयर सेक्टर में हर एक चीज से पहले स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फॉलो करना होता है। तो क्या जब 2 बेबीज को मृत घोषित किया गया तो क्या उन प्रोटोकॉल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था? अगर नहीं किया गया था तो क्यों नहीं किया गया था? और गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह देखे कि सभी तरह के प्रोटोकॉल्स को, सभी तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है। तो अगर देखो मैक्स हॉस्पिटल में उन स्टैंडर्ड्स को और उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया था उन 2 बेबीज को मृत घोषित करने से पहले, तो सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार की रेगुलेशन की कमी की वजह से ही यह घटना हुई। तो अब सरकार जो है वो मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। तो ये आर्टिकल है। देखो, इस तरह के जो इश्यूज है ना, वो एथिक्स में भी आपके जो दिमाग के चक्षु हैं वो खुल जाते हैं। एथिक्स में, केस स्टडीज में इस तरह की बातें बहुत काम आती हैं। जैसे मान लीजिए यूपीएससी ने यूं पूछ लिया कि मैक्स हॉस्पिटल की जो घटना हुई है उसकी जांच करने के लिए कमेटी गठित की गई है और आप उस कमेटी के हेड हो, तो आप क्या एक्शन लोगे और क्या आप ऐसे सजेशंस दोगे गवर्नमेंट को कि आगे भी इस तरह की घटनाएं ना हो? तो उस तरह की चीजों में, उस तरह की केस स्टडीज में इस तरह के आर्टिकल्स काफी काम आ जाते हैं, समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल था। ये थे हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आरटीआई से संबंधित जो इश्यू था, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि वो आरटीआई के अंडर आए, अब दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आई है। इस पूरे इश्यू पे, पूरे मुद्दे को हमने डिटेल से समझा।
बाद में हमने डिस्कस किया ह्यूमन राइट्स, सिविलाइजेशन, वैल्यूज, कल्चर, इन सब चीज़ों को हमने समझा। हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को भी हमने डिस्कस किया। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई है फिलहाल हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, और काफ़ी सारे देशों से और काफ़ी सारे ग्रुप्स में इंडिया एंगेज कर रहा है काफ़ी एक्टिवली। और बाद में हमने डिस्कस किया सबसे लास्ट में मैक्स हॉस्पिटल का जो लाइसेंस कैंसिल किया गया है, क्या ये सही है या गलत है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।